नेक्स्ट क्वेश्चन है मीडियन इज ए यानी कि माध्यिका क्या होता है देखिए मीडियन यानी कि मिड वैल्यू क्लियर तो जैसे कि आपको जो है एट डिजिट का दिया है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट तो आप इस सीरीज को देखकर ही आप पहचान जाओगे कि कौन सी वैल्यू मिड है यानी कि पोजीशन बताता है मिड वैल्यू यानी कि पोजिशन बताता है हाँ ये मिडिल की वैल्यू है ठीक है तो मीडियन क्या हो गया ये एक पोजिशनल एवरेज होता है तो जो सेंट्रल टेंडेंसी होती है फिर जो एवरेज होता है इसमें दो टाइप का होता है एक मैथमेटिकल एवरेज होता है और एक जो है पोजिशनल एवरेज होता है तो मीडियन और मॉड ये इसको हम जो है पोजिशनल एवरेज कहते हैं पोजीशंस बताते हैं लेकिन जो मैथमेटिकल एवरेज होता है जैसे कि आपका हो गया एवरेज या जो एर्थमेटिक एवरेज हो गया ज्योमेट्रिक मीन हो गया हारमोनिक मीन हो गया ये सब मैथमेटिकल एवरेज होता है तो यहाँ पर पूछा है कि मीडियन कौन सा टाइप का एवरेज है तो मीडियन पोजिशनल एवरेज है क्योंकि ये मिड वैल्यू पोजिशन को बताता है ऑप्शन ए नेक्स्ट है मीन इज ए तो यहाँ पे देखें माध्य पूछा है तो माध्य क्या है तो मीन क्या है ये मैथमेटिकल एवरेज है जहाँ पे सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन तो मैथमेटिकल एवरेज होता है तो मीन क्या हो गया मैथमेटिकल एवरेज तो मीन हो गया और आपका जो है एवरेज मीन हो गया ज्योमेट्रिक मीन हो गया हार्मोनिक मीन हो गया ये सब क्या है मैथमेटिकल एवरेज है लेकिन मीडियन और मोड ये दोनों पोजिशनल एवरेज हैं ऑप्शन यहाँ पे जो है मीन इज अ ऑप्शन बी मैथमेटिकल एवरेज नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज पोजिशनल एवरेज तो पोजिशनल एवरेज कौन है नीचे दिए गई ऑप्शन में से तो यहाँ पे देखिए मीडियन और मोड दोनों ही क्या है पोजिशनल एवरेज हैं जबकि मैथमेटिकल एवरेज में मीन uh, हो गया आपका हारमोनिक मीन ज्योमेट्रिक मीन तो यहाँ पे मीडियन मोड दोनों ही पोजिशनल एवरेज है तो ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी ये ऑप्शन हो जाएगा क्योंकि मीडियन भी है और मोड भी पोजिशनल एवरेज है तो ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी करेक्ट ऑप्शन होगा नेक्स्ट है विच ऑफ़ द फॉलोइंग इज ट्रू निम्निखित में से कौन सा सही है तो यहाँ पर आपको बताया गया कि ऑप्शन ए है कि एवरेज मीन इज ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन जो एवरेज मीन होता है उसकी वैल्यू हमेशा ज्योमेट्रिक मीन से ज्यादा होती है या फिर ऑप्शन बी एवरेज मीन इज लेस देन ज्योमेट्रिक मीन एवरेज मीन की वैल्यू ज्योमेट्रिक मीन से कम होती है या फिर एवरेज मीन इज इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन एवरेज मीन ज्योमेट्रिक मीन के बराबर होता है या फिर बोथ ए एंड बी यानी कि एवरेज मीन ज्यादा हो सकता है और एवरेबीज कम भी हो सकता है ज्योमेट्रिक मीन से तो देखिये जब भी आप कोई भी किसी भी नंबर का एवं एवरेज मीन फाइंड आउट करेंगे और ज्योमेट्रिक मीन फाइंड आउट करेंगे तो आप देखेंगे कि एवरेज मीन हमेशा ज़्यादा आएगा ज्योमेट्रिक मीन से आप सपोज आप दो नंबर लीजिए फोर और ट्वेंटी फाइव तो फोर और ट्वेंटी फाइव का जब आप एवरेज निकालेंगे तो फोर्टीन पॉइंट फाइव आएगा वहीं पर फोर और फाइव का जब आप ज्योमेट्रिक मीन निकालेंगे तो जो है आपका टेन आएगा तो यहाँ पर क्या होगा कि एवरेज मीन ज्यादा है ज्योमेट्रिक मीन कम है तो हमेशा ही होगा कि आपका एवरेज मीन ज्यादा होगा ज्योमेट्रिक मीन कम होगा तो ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा एवरेज मीन इज ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मेन नेक्स्ट है वैल्यू विच डिवाइड द डेटा इंटू फोर इक्वल पार्ट तो आपने डिसाइल क्वार्टाइल परसेंटाइल और क्वांटाइल्स सुना होगा क्विंटाइल्स जो कहते हैं तो देखिए डिसाइल में क्या होता है डिसाइल में जो डेटा होता है उसको टेंथ पार्ट में डिवाइड किया जाता है क्विंटाइल्स में पांच पार्ट में डिवाइड किया जाता है परसेंटाइल में जो कि आप परसेंटेज नाम से जानते हो कि पर्सेंटाइल में हंड्रेड जो है पार्ट में डिवाइड किया जाता है और क्वार्टाइल में क्वार्टर क्वार्टर यानी कि फोर पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है तो यहाँ पे पूछा है कि वह मान जो आंकड़ों को चार बराबर भागों में विभाजित करते हैं उनको हम क्वार्टाइल कहते हैं यानी कि चतुर्थक यहाँ पे देखिए ऑप्शन बी हिंदी में देखेंगे तो आसानी से पता चल जाएगा चतुर्थक यानी कि चार पार्ट यानी कि फोर पार्ट तो ऑप्शन बी जो है करेक्ट ऑप्शन है नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सिंपलेस्ट टू मेजर तो नीचे दिए ऑप्शन में से बताना है कि कौन सा है जो कि आसान होता है मेजर करना तो देखिए सबसे आसान तरीका क्या है अरिथमेटिक मीन को कि सारे ऑब्जर्वेशन का सम किया डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कर दिया आपका अरिथमेटिक मीन आ गया ज्योमेट्रिक मीन में आपको स्क्वायर रूट क्यूब रूट अगर दो नंबर हैं तो स्क्वायर रूट

हार्मोनिक मीन और वहां पर जो है आपका मीडियन और मोड हो गया तो यहाँ पे एवरेज तो दिया गया Disperson और कोरिलेशन ये दोनों अलग हैं आप डिस्ट्रीब्यूशन कितना स्ट्रेच है कितना स्क्वीज है वो आप फाइंड आउट करते हैं और को रिलेशन में हम एक्सटेंट फाइंड आउट करते हैं यानी कि डिग्री और डायरेक्शन फाइंड आउट करते हैं दो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशन का तो सेंट्रल uh, टेंडेंसी कौन सा हो गया ऑप्शन ए एवरेज यानी कि केंद्रीय प्रवृत्ति में शामिल है औसत सिर्फ एवरेज को कंसिडर किया जाएगा इन ऑप्शन में से वैसे हार्मोनिक मीन ज्योमेट्रिक मीन मीडियन मोड ये भी आते हैं सेंट्रल टेंडेंसी में तो यहाँ पे ऑप्शन ए जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा नेक्स्ट है द nth रूट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ एन आइटम इज तो देखिए यहाँ पे क्या हो गया nth रूट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एन आइटम यानी कि सपोज करें कि दो नंबर हैं 1 और 2 तो 1 2 का स्क्वायर रूट कर देंगे तो क्या हो जाएगा तो इसको हम कहते हैं ज्योमेट्रिक मीन ऑप्शन डी जो है कट ऑप्शन होगा ज्योमेट्रिक एवरेज या फिर ज्योमेट्रिक मीन में हम जो है जितने भी नंबर होते हैं उतने का ही रूट लगाकर उसका मल्टीप्लाई कर देते हैं तीन डिजिट है तो वन टू थ्री है तो वन इंटू टू इंटू थ्री का क्यूब रूट हो जाएगा फोर डिजिट है तो वन इंटू टू इंटू थ्री इंटू फोर का फोर्थ रूट हो जाएगा तो इस तरीके से जो है ज्योमेट्रिक एवरेज है जोमेट्रिक मीन निकाला जाता है तो ऑप्शन डी जो है कट ऑप्शन होगा नेक्स्ट है एप्लीकेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स टू इकोनॉमिक्स इज कॉल्ड तो जब आप इस स्टैटिस्टिक्स का यूज इकोनॉमिक्स में करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं इकोलॉजी इकोनोमेट्रिक्स थियोरिटिकल इकोनॉमिक्स या फिर नन ऑफ द एब अर्थशास्त्र में सांख्यिक का अनुप्रयोग क्या कहलाता है तो इसको हम कहते हैं इकोनोमेट्रिक्स यानी कि अर्थ मिति इकोनोमेट्रिक्स नाम में है तो इकोनोमेट्रिक्स यानी कि इकोनॉमिक्स प्लस जो है स्टैटिस्टिक्स तो इकोनोमेट्रिक्स कहा जाता है ऑप्शन बी जो है कैट ऑप्शन हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ को रिलेशन इज तो यहाँ पे आपको बताना है कि जो किसान

का जो मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू होता है दैट इज माइनस वन से प्लस वन के बीच में वैरी करता है तो मैक्सिमम प्लस वन और मिनिमम माइनस वन नेक्स्ट क्वेश्चन है कोफ़िशियंट ऑफ को रिलेशन मेजर्स तो जो सह संबंध माप होता है वो क्या मेजर करता है डायरेक्शन ऑफ द रिलेशन डिग्री ऑफ द रिलेशन बोथ ए एंड बी फिर नन ऑफ द वे तो देखिए को रिलेशन कोफिशियंट जो है वो डायरेक्शन और डिग्री दोनों ही मेजर करता है एक्सटेंट को मेजर करता है कि किस हद तक दो वेरिएबल्स आपस में रिलेटेड हैं पॉजिटिव रिलेटेड हैं नेगेटिव रिलेटेड हैं क्लियर तो ऑप्शन सी यहाँ पे जो हो जाएगा कैट ऑप्शन नेक्स्ट है इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज रिप्रेजेंट अलोंग तो जो इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट दो वेरिएबल होते हैं तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन से एक्सिस पे शो किया जाता है जब ग्राफिकली आप उसको प्रेजेंट करेंगे तो जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है उसको कौन से एक्सिस पे शो करेंगे एक्स वाई या फिर जेड पे तो जो इंडिपेंडेंट वेरेबल होता है वो हमेशा हॉर्जेंटल लाइन पर होता है यानी कि एक्स एक्सिस पे होता है एक्स एक्सिस इज हॉर्जेंटल लाइन वहीं पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है डिपेंडेंट वेरिएबल इज रिप्रेजेंटेड अलॉन्ग तो डिपेंडेंट वेरिएबल किस पे होता है दैट इज़ वाई एक्सिस जो कि वर्टिकल लाइन होता है यानी कि सीधी लाइन सीधी रेखा क्लियर तो डिपेंडेंट वेरिएबल वाई एक्सिस पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्सिस पे रहता है क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन है रेंज ऑफ द कोफिशियंट ऑफ कोरिलेशन एज तो देखिए अभी हमने ऊपर ही डिस्कस किया कि रेंज क्या होता है कोफिशियटी कोफिशेंट ऑफ कोरिलेशन का दैट इज माइनस वन टू प्लस वन यानी कि प्लस माइनस वन यानी कि ऑप्शन बी जो है यहां पे कैट ऑप्शन जाएगा क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन है As the value of x increases, इफ वैल्यू ऑफ वाई डिक्रीजेस देन को ऑफ कोरिलेशन विल भी यानी कि यहाँ पर कहा जा रहा है कि जैसे ही एक्स का मान बढ़ता है यदि वाई का मान घटता है तब सहसंबंध माप का गुणांक होगा तो ये किस टाइप का रिलेशन यानी कि एक वैल्यू बढ़ रही है और दूसरी घट रही है तो यानी ये क्या हो गया निगेटिव ऑप्शन बी जो है वो कैट ऑप्शन हो जाएगा नेक्स्ट है हॉर्जेंटल कर्व रिप्रेजेंट द वैल्यू ऑफ को ऑफिशेंट ऑफ कोरिलेशन टू बी यानी कि जो हॉर्जेंटल कर्व होता है कोफिशेंट को रिलेशन में वो क्या शो करता है पॉजिटिव वैल्यू नेगेटिव वैल्यू जीरो तो वो शो करता है जीरो यानी कि कभी भी हॉर्जेंटल लाइन होगी हॉरिजॉन्टल कर्व होगा या फिर वर्टिकल कर्व होगा तो जीरो वैल्यू होती है नेक्स्ट क्वेश्चन है इन केस ऑफ कोफिस ऑफ को रिलेशन इज नेगेटिव द कर्व रिप्रेजेंटिंग द रिलेशन विल बी यानी कि यदि या संबंध का गुणांक ऋणात्मक है तो संबंध का प्रतिनिधित्व करने वाला वक्र होगा तो अगर नेगेटिव है तो उसको हम कहते हैं डाउनवर्ड स्लोपिंग नेगेटिव है ने ना डाउनवर्ड स्लोपिंग क्लियर अपोजिट जा रहा है एक ऊपर जा रहा है तो एक नीचे जाए तो डाउनवर्ड जा तो स्लोपिंग वहीं पर अगर पॉजिटिव होगा तो अपवर्ड स्लोपिंग तो अगर यहाँ पे पूछा गया नेगेटिव है तो ऑप्शन बी जो है कैटा ऑप्शन होगा डाउनवर्ड स्लोपिंग अगर पॉजिटिव होता तो अपवर्ड स्लोपिंग होता तो यहां पे ऑप्शन भी होगा नेक्स्ट है ग्राफ ऑफ वेरियवल्स हैविंग लीनियर रिलेशन विल भी तो देखिए नॉन लीनियर रिलेशन हमें अभी पिछली वीडियो में डिस्कस किया कि नॉन लीनियर कब होता है जब कर्व्ड होता है तो लीनियर कब होता है जब स्ट्रेट लाइन होगा तो ऐसा कोई ग्राफ जहाँ पर वेरियवल है वेरियवल में लीनियर रिलेशन है यानी कि रैखिक संबंध है तो उसको हम क्या कहते हैं स्ट्रेट लाइन ऑप्शन सी इज द करट ऑप्शन नेक्स्ट है आर माइनस आर इज इक्वल टू वन माइनस आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ एन वेर आर इज तो यहाँ पे आपको फॉर्मूला दिया गया है जो कि बताया गया है कि आर जो है वो इक्वल टू है वन माइनस आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ एन तो किसका फॉमूला है स्टैंडर्ड एरर का प्रोवेबल एरर का फिर कोरिलेशन एरर का फिर नन ऑफ द एबअब का तो ये फार्मूला है ऑप्शन ए स्टैंडर्ड एरर का स्टैंडर्ड एरर आर जो है वो क्या है स्टैंडर्ड एरर है वहीं पर जो प्रोवेबल एरर होता है इसी में जो आपको ऊपर दिया गया वन माइनस आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ एन इसमें पॉइंट सिक्स सेवन फोर फाइव को अगर आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो प्रोवेबल एरर हो जाता है सिर्फ स्टैंडर्ड एरर और प्रोबेबल एरर में सिर्फ डिफरेंस इतना है पॉइंट सिक्स सेवन फोर फाइव का प्रोबेबल एरर में पॉइंट सिक्स सेवन फोर फाइव का मल्टीप्लाई हो जाता है और स्टैंडर्ड एरर में सिर्फ वन माइनस आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ एन होता है तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन ए स्टैंडर्ड एरर यानी कि मानक त्रुटि क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पीयर्स मैं मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग को ऑफिशियंट ऑफ कोरिलेशन इज बेस्ड ऑन तो जो स्पीयर्स मैन मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग को ऑफ कोरिलेशन है सह संबंध के गुणा की गणना के लिए जो स्पीयर मैन विधियां हैं वो किस पे आधारित है पोजिशन रैंक एक्चुअल पिक्चर या फिर नन ऑफ द एबव तो अगर आप इसका जो है पूरा नाम पढ़ें तो इसका पूरा नाम है स्पीयर्स मैन रैंक कोरिलेशन मेथड क्लियर तो ये ये किस पे बेसिस पे है रैंक पे आप देखते होंगे कि जब इस पे कोऑफिशेंट ऑफ कोरिलेशन निकालते होंगे तो आप जो है रैंक दिया जाता है रैंक का डिफरेंस निकालते हैं उसके बाद फिर आप जो है कोफिशेंट ऑफ कोरिलेशन फाइंड आउट करते हैं तो ये क्या है रैंक पे है ऑप्शन बी रैंक यानी कि पद नेक्स्ट क्वेश्चन है वन माइनस सिक्स समीशन डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन क्यूब माइनस

कुड नॉट बी कैलकुलेटेड इन केस ऑफ तो कोफिशन अगर फ्रीक्वेंसी की डिस्ट्रीब्यूशन दिया है तो कौन से मेथड से आप कैलकुलेट नहीं कर पा सकते हैं कार्ल आप कोफिशों को कोरिलेशन को फाइंड आउट कर सकते हो लेकिन जो लीस्ट स्क्वायर मेथड है ना ये रिग्रेशन एनालिसिस में यूज किया जाता है तो किस मेथड का यूज नहीं कर सकते ये पूछा गया है तो ऑप्शन सी लिस्ट स्क्वायर मेथड क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन है बिटवीन प्राइस प्राइस एंड डिमांड इज तो और डिमांड आपने इकोनॉमिक्स में ही पढ़ा होगा प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड घटेगी नॉर्मल कंडीशन में प्राइस बढ़ती है तो डिमांड घटती है और प्राइस घटेगी तो डिमांड बढ़ेगी तो यहां पे क्या हो गया दैट इज नेगेटिव कोरिलेशन यानी कि अपोजिट जा रहे हैं तो नकारात्मक है ऑप्शन ए नेक्स्ट क्वेश्चन है को रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड सप्लाई अब प्राइस एंड सप्लाई इकोनॉमिक्स का ही यहाँ पे भी कॉन्सेप्ट लगेगा कि प्राइस जब भी बढ़ती है तो जो प्रोडक्ट बनाते हैं ना वो मार्केट में और ज़्यादा सप्लाई कर देते हैं अपने प्रोडक्ट का क्योंकि प्राइस बढ़ी रहेगी तो सप्लाई ज़्यादा रहेगा तो ज़्यादा दाम में बिकेगा तो उनको ज़्यादा प्रॉफिट होगा तो प्राइस जैसे ही बढ़ेगी तो सप्लाई मार्केट में ज़्यादा हो जाता है प्रोडक्ट का तो यहाँ पर क्या हो गया पॉजिटिव कोरिलेशन हो गया यानी कि ऑप्शन बी पॉजिटिव को रिलेशन हो जाएगा ऑप्शन बी विश यू ऑल द बेस्ट कीप वॉचिंग